गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास। टुडे आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.3। आई होप यू हैव कम्प्लीटेड द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 इनटू द फेयर कॉपी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द होमवर्क ऑफ एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर टू, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 and 8। डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करके आपको बताना है कि जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं वो 4 और 8 के डिविजिबल हैं या नहीं। तो यहाँ पे जब 4 और 8 का डिविजिबल नंबर हमें बताना है तो इसका मतलब हमें 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर लास्ट 2 डिजिट 4 का मल्टीपल है तो नंबर 4 से डिवाइड होगा, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल है अगर लास्ट 3 डिजिट किसी भी नंबर का 8 का मल्टीपल है या 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, 572 इज़ अ डिविजिबल बाई 4। ये 4 का डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट मतलब 72 है जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, 572 इज़ अ नॉट डिविजिबल बाई 8। ये 8 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 ही डिजिट हैं और ये तीनों डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए ये नंबर जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। इसका सेक्शन भी है 726352, मतलब मीन्स 726352। ये जो है लास्ट में इसके लास्ट 2 डिजिट 52 है, 52 जो है वो 4 का डिविजिबल है क्योंकि 13 4 जा 52 होता है, तो अगर 52 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका लास्ट 3 डिजिट है 352, 352 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 4 जा 32 प्लस 8 4 जा 32, रिमाइंडर 3 और 3 और 2 मिलके 32 हुआ, 8 4 जा 32 मतलब 352 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी इसके जो बचे हुए सेक्शन हैं ए और बी मैंने बताया है, ऐसे ही इसके जो रिमेन सेक्शन है उसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो फॉलोइंग नंबर्स हैं वो 6 के डिविजिबल हैं या नहीं है। तो 6 का डिविजिबल वही नंबर होगा जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल नीचे दिए गए नंबर्स में चेक करना है। तो फर्स्ट है 297,144, तो यहाँ से क्लियर है नंबर देखने के बाद ही कि वंस प्लेस इसका 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। अब हमें चेक करना है 3 का डिविजिबिलिटी रूल, तो सम ऑफ डिजिट इसका सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ अ 27। इसके डिजिट्स को अगर हम प्लस कर दे रहे हैं तो वो 27 आ रहा है जो कि 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। सो नंबर 297,144 इज डिविजल बाई 6। जब ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। इसका सेक्शन बी है 1258। ये इसका वंस प्लेस 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि 8513 एंड 2 + 1 = 3, 13 + 3 = 16, इसके डिजिट्स का सम 16 आ रहा है जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये नंबर जो है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 11। डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करके आपको बताना है कि नीचे दिए गए नंबर्स जो है वो 11 का डिविजिबल है या नहीं। तो फर्स्ट है आपका 5445, तो यहाँ पे सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट आपको करना है, फिर उसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट 1 और 3 होगा क्योंकि इसमें 4 डिजिट नंबर है, तो 1 और 3 और 2 और 4 वो इवन प्लेस हो जाएगा, 1 और 3 जो है वो ऑड प्लेस हो जाएगा। तो 1, 3 पे 5, 4 है तो प्लस करेंगे 9 आएगा, और 2 और 4 पे 4 और 5 है इसको भी प्लस करेंगे 9 आएगा, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर देंगे तो 9 - 9 = 0। तो अगर इसका डिफरेंस जो है ऑड और इवन प्लेस के डिजिट्स के सम का जो डिफरेंस है अगर वो 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस 0 आ रहा है तो इसलिए ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है 7016-9308, तो इसका सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, इसमें 8 डिजिट का नंबर है तो 1357 ये क्या है ऑड प्लेस डिजिट है, और 2468 ये जो है इवन प्लेस डिजिट है, तो 1357 पे है 8360,
तो इनको प्लस कर देंगे तो 17 आएगा, और 2, 4, 6, 8 पे है 0, 9, 1, 7, इनको प्लस कर देंगे तो भी 17 आएगा। तो 7 इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर देंगे, 17 माइनस 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे गलती से 11 माइनस 11 लिखा है, लेकिन होगा यहाँ पे 17 माइनस 17। इसको ध्यान से आप देखिएगा, वो बाई मिस्टेक यहाँ पे 11 माइनस 11 हो गया है, जबकि इन दोनों का डिफरेंस 17 माइनस 17 है, तो कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर डिफरेंस 0 आ रहा है तो ये नंबर 11 का डिविजिबल है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के जो रिमेन सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरा करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के हमने दो दो सेक्शन आपको बताए हैं, बाकी जो बच रहा है वो इस एक्सरसाइज के सारे सेक्शन आपको कंप्लीट करने हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 से। और जो जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, यहाँ से आप देख के वीडियो में से ही देख के आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।